अभी घर थोड़ी सी दूर और है भी तो जो। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। करते हैं दिन की शुरुआत नई नई बातों के साथ। जो भी करेंगे, जो भी हम बातें करेंगे वही आपको बताएंगे, जो भी करूँगी वो दिखाऊंगी आपको। तो गाइस, चाय वाय मैंने पी ली है, खाना धोना भी हो चुका, किचन में जाना है, बाल भी भेजना है और विशाल भी जाएगा, सुमित जी भी जाएंगे। सो आज लंच के लिए मैंने बनाई है भिंडी, चटपटी तीखी भिंडी, क्योंकि हमारा सबका, बच्चों का भी टेस्ट थोड़ा स्पाइसी है तो तीखी भिंडी मैंने बनाई है। और नाश्ते में मैंने बनाए हैं बथुए के पराठे। तो ये कच्चे बथुए के पराठे हैं, जैसे कि काट के आटे मिक्स कर लिए और उसमें मैंने हींग जीरा धनिया वगैरह सब चीज़ मिक्स किए, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है उसका। और बथुए के पराठे बन के हो गए हैं तैयार। अब मैं देती हूँ सुमित जी को नाश्ता। सो गाइस, मैं आज चली गई थी पार्लर में, नीचे काम था तो मैंने पार्लर में जाके काम किया। फिर बार भी आ गई स्कूल से तो मैंने इसके लिए खाना भी बनाया है। और मैं बीच में आई थी पार्लर से तो बारबी का खाना बना के मैं देखे गई थी, क्योंकि आज पार्लर में लड़की आनी थी तो मैंने ही आज थोड़ा सा काम किया है। सो गाइस, अभी मैंने ना इनको अभी निकाला था तो पापा ने बताया था कि ये मतलब ऐसे खुल के नहीं आती हैं, ये पत्तियों में है ऐसे बंद करके ऐसे ऐसे आती है। ये देखो, अब मुझे पता चला है तो फिर इनको ना मतलब बस ऐसे नीचे करके बेचा जाता है, इनमें ना थ्रेड लगाई जाती है, देखो ये है ना। सो गाइस, इनका साइज ये छोटा सा है, तभी मैं खा के बताती हूँ। पापा अभी भी इनका नाम नहीं बता रहे हैं। कैसी है? सो गाइस, अभी मैंने भी टेस्ट करा था, ये थोड़ा खट्टा मीठा है और ये बहुत टेस्टी है। अभी जो पापा लेके आए आपने खाया, उसे क्या कहते हैं बताओ? रेसबेरी। रेसबेरी आपको अच्छी लगी थी खाने में? हाँ, खट्टी थी, मीठी थी, सब थी। पता गांव में क्या बोलते हैं उसको? क्या? पपोटन। बताओ क्या बोलते हैं? पपोटन। खेतों में लगती है ये? खेत में लगती है। पपोटन। पपोटन ही बोलते हैं इसको। पार्लर बढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए घूमने जाती हूँ, और आज मंगलवार भी है तो मैं सुमित जी के साथ जाऊँगी मंदिर। सो गाइस, सुमित जी मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के घर, वो लेने गए हैं प्रसाद, क्योंकि जहाँ वो मंदिर में हमारे पास मंदिर है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर मंगलवार को प्रसाद नहीं मिलता है, तो प्रसाद मिलता है मार्केट में, वो मार्केट से प्रसाद लेने के लिए गए हुए हैं और मुझे वो छोड़ गए हैं मेरी फ्रेंड की गली में। तो मैं थोड़ी दूर जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, थोड़ी दूर ही घर है उसका। सो गाइस, यहाँ पे है किसी की शादी तो मुझे दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निकलने की जगह है ही नहीं है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो मैंने बैल बजा दी है पर अभी कोई आया नहीं है निकल के। सो मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। तो मैं नीलम के घर से आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ से, तो मैं रास्ते में हूँ, वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब रात के खाने का समय हो रहा है तो मुझे घर जाके खाना बनाना है, तो मैं घर की तरफ जा रही हूँ। अभी घर थोड़ी सी दूर और है भी तो जो मेरी फ्रेंड का घर है थोड़ा सा दूर है बस घर से, तो मैं बहुत तेज़ अभी जा रही हूँ। मैं तो बहुत समय के बाद आज अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, जल्दी से जाना भी नहीं होता, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है जल्दी से, क्योंकि घर से टाइम नहीं होता, कभी पार्लर में होती हूँ, कभी घर के काम में होती हूँ, तो टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो आज बहुत दिन के बाद मैं घर से निकली थी, मैंने कहा चलो उससे मिल के आती हूँ, उसने कई बार मेरे को बुलाया भी है। आ गई हूँ अपनी गली में,
फाइनली पहुंच गई हूँ घर पे। बेटे खाना खाया उसने? कुछ खाया बेटे? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो सुबह सुबह? सुबह सॉरी रात को? कोल्ड ड्रिंक मेरी लाइफ। अच्छा, नुकसान देगी बेटे अभी। मैंने जल्दी से आके वहाँ से बनाए थोड़े से आलू टमाटर ओनली सुमित जी के लिए और चपाती, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गई थी, तो बच्चे खाएंगे ओट्स। तो विशाल अभी फार्मेसी भी से आया नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ सुमित जी के लिए थोड़े से आलू टमाटर बनाए हैं और बाकी ओट्स बनाऊंगी तब जब विशाल मेरा आ जाएगा। बारबी भी बोल रही है कि मुझे भी ओट्स खाने हैं। और ये सूख रहे हैं कपड़े, तो मुझे कपड़े उतार लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी तो मेरा ये वाला काम रह गया। हवा बहुत कड़ाके की चल रही है। ओहो, सो कपड़े सब मैंने उतार दिए हैं। ये लग गया ढेर कपड़ों का, जो कपड़े प्रेस किए उन्हें प्रेस के रखूँगी, बाकी कपड़ों की बनाऊँगी तय। बाबू तुम क्या कर रहे हो बेटा? सो गाइस, ये मंदिर के साथ साथ बारहवीं ने इसको प्ले रूम भी बना रखा है, सारा घर फैला रखा है। देखो बारहवीं आपके बेटे एग्ज़ाम है, पढ़ाई तो करो बेटा, आप सारे दिन इसमें लगी रहती हो। सुमित जी ने खाया खाना तो उनकी थोड़ी सी सब्जी बची है टमाटर की, तो मैं सोचा कि एक चपाती मैं भी खा लेती हूँ, तो मुझे तो ओट्स अच्छे लगते नहीं है तो मैं ओट्स नहीं खाऊँगी, मैं उन्हीं की सब्जी से खा लेती हूँ। उनकी थोड़ी सब्जी तो एक चपाती मुझे खानी है तो उसी से खा लेती हूँ। सो गाइज, मैंने विशाल और बारहवीं के लिए बनाए हैं ओट्स। बारहवीं बहुत देर से वेट कर रही थी कि मेरा भाई आएगा तो मैं ओट्स खाऊँगी, उसका भाई आ गया है, मैं बना रही उसके लिए ओट्स। और बार भी कर दी हरा धनिया चोप, ये देखो लगी पड़ी है लड़की। सो गाइस, ओट्स बन के हो गए हैं तैयार। बार बेटे लो खाओ ओट्स तुम। हाँ, स्पून दे रहे बेटा। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।